चीज का आवास योजना का हर काम चकाचक रही। अरे जोर से बोला, ग्राम पंचायत सबसे बड़ी चीज हो तो समाज के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी जनों का, श्रेष्ठ जनों का स्वागत करिए। एक बार जो अरे गजब की तालियां है आप लोगों के, क्या बात है, बहुत अच्छा। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे सलामत रहे, आप खुशहाल रहे। कहना क्या है कि कलम से कैसे आई, कलम से कैसे आई सरस्वती बतलाई बाबू जी, कलम से कैसे आई सरस्वती शैलव जी के कर कमरों द्वारा 501 मेरा संकल्प आपका सहयोग, मेरा संकल्प आपका सहयोग ग्राम शिवपुर बढ़े उन्नति की ओर, आपका साथ गांव का विकास। ग्राम प्रधान पद हेतु युवक के संघर्षशील जुझारू एवं कर्मठ प्रत्याशी ₹501 का सम्मान पूर्व महासचिव चुनाव विधानसभा सपा निवेदक समस्त सम्मानित ग्रामवासी शिवपुर, आप लोग प्रिया को सहयोग करें और भारी मतों से भावी प्रधान चयनित करके आपका हार्दिक उत्साह बढ़ाएं। कोटि वफाती टीना के लेबर भैया टीना वाले लेन देन चला देखी तो सवेरे मिली थी 51 रुपया का आशीर्वाद, खरीदते और बेचते दोनों है टीना। प्रमोद अग्रहरी कुल्फी चाट वाले भैया 101 रुपये, बड़ा नाम बताए रह चाट कुल्फी याद दिलाए रह वो मेरा रूप जात। गुलाब चंद यादव के पोता भैया कान्हा यादव पर शोधा से 51 रुपया का आशीर्वाद गुलाब और कान्हा जी की ओर से, कोटि कोटि नमन हार्दिक पुत्र अभिनंदन। कहना वा कैसे कि कलम पर कैसे आई सरस्वती बतलाई बाबूजी,
कभी ने मुश्किल में ही, कभी ने मुश्किल में ही सारी बात बताई बाबूजी, कभी ने मुश्किल में ही सारी बात बताई कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद कोटि कोटि नमन है। हाई राजमार्ग का भैया राज होई गया भैया होई गया पूरा लिख के दे दीजिए। उसमें है कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, दिल है कि मानता नहीं। और कैसे आई ये कहना है। करम दो भैया रामजीपुर की पवन सज में 51 रुपया का आशीर्वाद कोटि कोटि नमन है। एक दिन की बात है, सुखदेव केसरी शिवपुर की पवन सज में से भैया की ओर से यह खूबसूरत सा पंखुड़ियों में गुथा हुआ स्नेह और 101 रुपया का आशीर्वाद तनद दिया हो हमने पहने रहे हो। ये बहुत बहुत प्यार है मां विंध्यवासिनी का, आप लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है कि कलम पर कैसे आई सरस्वती बतलाई बाबूजी, कभी ने मुश्किल में ही सारी बात बताई बाबूजी, कभी ने एक दिन की बात है। राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था और राजा अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, 9 रत्नों में से एक बीरबल को माना जाता है। अब बीरबल अकबर में अक्सर वाद विवाद होता था, प्रश्नोत्तरी होती थी और पूछे उत्तर दे, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता था। एक दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था, सभा सजी हुई थी, राजा साहब सभा में बैठे हुए थे और सब लोग बैठे हुए थे और उधर दरबार सजा था, कुछ बातचीत हो रही थी कि उधर रानी अपने शयन कक्ष में बैठकर श्रृंगार कर रही थी। और आप लोगों ने जोधा अकबर देखी होगी, जोधा अपने महल के अंदर शयन कक्ष में जो उसके बगल में सैरिंद्री थी, उस समय सैरिंद्री बोला जाता था जिसको ब्यूटीशियन बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर वाली, जो इतना मोट मोट परत सजाए देते कि सवेरे धोई डावत असली दुल्हन समझी मना वो वाली, तो वो सजा रही थी, साज श्रृंगार कर रही थी जोधा जी, और शीशे में देख रही थी अपने रूप, अपने यौवन, अपनी सुंदरता को देख करके रानी जोधा सोच रही है कि इतना साज श्रृंगार असैया बिना कौने, सोच रही है कि हम राजा को बुलवाएं, राजा आए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। शोधा बाजार से ज्वेलर्स 251 रुपए का आशीर्वाद और माँ भगवती की चुनरिया ओढ़ा करके हम दोनों कलाकारों को सम्मानित किया आपने, और ये सुंदर सा छोटा सा मंगलसूत्र आपने दिया, ये स्मृति भेंट रहेगी, क्योंकि नारियों के लिए अगर सजना के बाद दूसरा कोनो आभूषण हो तो गहना हो। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए, कोटि कोटि नमन है आपको, कोटि कोटि सह आभार है। कैसे मिले
अच्छा किशोरी शेठ न... किशोरी शेठ भैया नथिया बनारस से आएगा। अरे गजब की बात है, काशी विश्वनाथ से भी आएगा। अरे वाह, तेरिया गोरी हो या काली, अक्षय क्यों रुपए का आशीर्वाद। एक लाइन।